देश भर में 73वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि नॉर्थ वेस्ट अलीपुर डीएम ऑफिस में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें कि डीएम ऑफिस से पूरा स्टाफ इस प्रोग्राम में शामिल था और साथ ही ख्वाहिश स्पेशल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपनी पोएम सुनाई, एक कल्चर प्रोग्राम भी किया। ये सभी बच्चे ख्वाहिश स्पेशल पब्लिक स्कूल के हैं, जो कि दिव्यांग है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इन बच्चों ने इस तरह का प्रोग्राम करके इस प्रोग्राम की और भी शोभा बढ़ा दी। सभी इन बच्चों को देख हैरान हो गए। ये सभी बच्चे हर साल इसी तरह का आयोजन करते हैं और सभी का मन मोह लेते हैं। साथ ही डीएम और एसडीएम ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही डीएम ने कुछ योजना के बारे में भी बताया। परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके तहत 29 गांव में काम चल रहा है और 5000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है और इसी का डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इसके बाद शिवम गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की गई थी, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें
इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये आज का स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था और काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, स्पेशली जो स्कूल के बच्चे एंड हमारा खुद का स्टाफ जिन्होंने बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ में और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ पर मनाया गया। सर, जो योजना आपने बताई थी स्टेज पे, क्या कुछ योजना यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, किसानों के लिए? दो तीन, वैसे तो बहुत सारी योजना चल रही है लेकिन दो तीन योजना का खास जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक तो हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना जो चल रही है, जिसके तहत हमारे यहाँ पे लगभग 29 गांवों में काम चल रहा है और 5,000 से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, एक्सपोजर विजिट भी उनकी हुई है एंड उसका जल्दी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इसका भी हमारा काम चल रहा है। लगभग वो 15 सितंबर के आसपास हमारा मोस्ट ऑफ द काम खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। सभी एसडीएम्स और सारा ऑफिस का स्टाफ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गणतंत्र दिवस के फेस्टिविटीज में हमारा साथ दिया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में मदद की। और स्पेशली जो केयर टेकिंग का बैकग्राउंड स्टाफ है और जो एंकर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे और अगली बार इसी उत्साह और उल्लास से प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। सरकारी भूमि है उसके ऊपर जो अतिक्रमण होता है उसके बारे में, तो हाल ही में जहांगीरपुरी एरिया में हमने लगभग 70 एकड़ जमीन जिसके ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था सालों से, वहाँ पे काफी गलत एक्टिविटीज भी होती थी, तो उसको सारे डिपार्टमेंट के सहयोग से हमने खाली भी कराया है, उसको क्लीन भी कराया है और कल वहाँ पे हमने एक सोशल एक्टिविटी का प्रोग्राम भी रखा हुआ है, सोशल सर्विस का प्रोग्राम भी रखा हुआ है। तो ये 70 एकड़ जमीन जो खाली हुई है, हमें उम्मीद है कि उसका हम सरकारी योजनाओं के और वरीय सरकारी ऑफिसर्स को खोलने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए वो जमीन हम काम में ला पाएंगे। इसी तरह मैं अंत में सभी लोगों से फिर से अपील करता हूँ, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर से, कि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से और समय पे